सो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अरंगी का ब्लॉग बनाने। अरंगी स्कूल एक्सप्लोर करेंगे और पूरा का पूरा आपको गांव का व्यू दिखाएंगे, अरंगी गांव का। तो आज जो है अनमोल जी आपको ब्लॉग देंगे, यही बोलेंगे पूरा का पूरा ब्लॉग में काफी मजा आएगा, किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहेगा इनका फर्स्ट ब्लॉगिंग का, तो ये भी एंजॉय करेंगे उसी के साथ। बाकी यार आगे बढ़ते हैं, बाइक वगैरह सारा हमारा रेडी है। जो है अरंगी स्कूल का जो है टूर दूंगा, सभी लोग जो है अपना अपना घर का टूर देते हैं और घर के साथ यार स्टूडियो टूर देते हैं, मैं जो है आपको अरंगी स्कूल का टूर दूंगा, काफी मजा आएगा। बाकी यार चलते हैं यहाँ से। फिलहाल अनमोल जी बाइक अपना लेके रेडी हो चुके हैं और साथ ही भगवा भी ले लिए, कोई दिक्कत होने नहीं, भगवा जो है काफी ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल मैं अपना डोर को लॉक करता हूँ ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद जो यार यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज यार फाइनली जो है अरंगी स्कूल में पहुंच चुके हैं, एज यू कैन सी यार चलते हैं डायरेक्टली अंदर, पूरा का पूरा टूर दूंगा, फ्लावर वगैरह सारा कुछ लगाया गया यहाँ पे, काफी मजा आएगा। देखते हैं यार जब मैं पढ़ता था उस समय का और अभी का क्या जो है स्थिति है अरंगी स्कूल का। तो यार स्टार्ट करेंगे हम लोग एक तरफ से और पूरा का पूरा दिखाना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूंगा, ये साहब आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सुनो सुनो, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? हम लोग का स्वागत नहीं किया वो डॉगी साहब जी। बाकी यार मैं जो है आ चुका हूँ फाइनली अरंगी स्कूल में और देख सकते हैं अनमोल भी काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। बाकी यार ब्लॉगिंग का शुरुआत जो है हम लोग इस साइड से करते हैं, पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यार पूरा का पूरा स्कूल का टूर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं जो है अरंगी स्कूल में पहुँच चुका हूँ। ये जो है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पुराना स्कूल है, इसके बारे में अनमोल जी आपको कुछ क्षण में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको जो कुछ इस स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग देख सकते कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हॉल देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपको देखने मिला ये जो है पहले का ऑफिस था, यहीं पे जो मेन हेड ऑफिस होता है तो स्कूल का ये ऑफिस था। बाकी यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ से जो है शिफ्ट उस साइड में चला गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब मैं यार ये स्कूल में पढ़ता था तो ये क्लास था मेरा और यहाँ पे मैं जाता था, इस साइड से भी गेट है और इस साइड से भी गेट है, रूम नंबर 5, तो इसे मैं जाया करता था। और मैं अपना जर्नी ही बताऊंगा, ये स्कूल का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस तरह भी यार कुछ लिखा गया है, जैसे 1, 2, 3 आपको अगर नहीं आता तो वो पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं यहाँ से। और इस साइड में यार रूम नंबर 2 आया था, यहाँ पे जो है 7, 8 क्लास का यहाँ पे जो है रूम था। बाकी यार इस साइड में आपको दिखाऊँ तो यार बूथ संख्या 53 यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि जो है कल जो है इलेक्शन चल रहा है 13 तारीख को, तो यार इलेक्शन यहाँ पे इसी रूम में होने वाला है। एक बूथ नंबर 53 यहाँ है और बूथ नंबर 52 उस साइड में है, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ज्ञान की बातें लिखा गया है, आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे को हिंदी पढ़ने आता नहीं है, अनमोल जी को आता है तो ये बता सकते हैं। तो यार और बाकी यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखा गया अलग अलग प्रकार का अरंगी स्कूल में, और इस साइड में भी आपको देखने मिल जाता है। बाकी यार मतदान का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, बीएलओ और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। बाकी यस इस साइड भी यार ज्ञान का बातें लिखा गया अलग अलग प्रकार का। बाकी यार इस साइड में आप लोग देख सकते हैं जो ऑफिस होता है वो ऑफिस यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार से ये जो है मेन ऑफिस है और ये तो टेम्पोररी रूम है, तो कुछ इस प्रकार से यार ऑफिस व्यू मिलता है। बाकी यार अगर मैं स्कूल का पीछे का सीन दिखाऊँ तो पीछे में यार कुछ अलग ही आपको मिलेगा, मतलब क्या ही मैं आपको दिखाऊँ। इस साइड में खेती वगैरह हुआ है, अगर जो है बैगन का जरूरी पड़ता है स्कूल में तो यहाँ से सब्जी मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी इस साइड में यार काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लावर लगाया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली छाया हुआ है, एज यू कैन सी यार। बाकी यार आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं पढ़ता था यार तो इतना ज़्यादा फ्लावर यहाँ पर नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा है यार, नल वगैरह सारा कुछ लगा दिया गया है बहुत पहले ही। बाकी इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लावर लगाया गया है कुछ इस प्रकार से यार अलग अलग प्रकार का, काफ़ी अच्छा बात है यार। इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर क्या है कि अर्थिन लगाया गया ये जो ईंट के पास, तो ठीक ठाक यार जगह है, उसको जो तोप दिया गया है। बाकी इस समय आप लोग देख सकते हैं नल वगैरह यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, कल भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है यार, क्या ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। बाकी एक कल उस साइड में भी है, उस साइड का कल सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद यार नल को देखेंगे यार पानी वगैरह आता है या फिर टेम्पररी इसी प्रकार से लगाया गया है। तो इस साइड में आते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यार एक चापा कल है, जो कि आई एम नॉट श्योर कि यह चलता है या फिर नहीं। बाकी यार आगे चलते हैं, आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको जो है नल का जो है सीन दिखाना चाहूँगी, यार नल चलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यार, पानी तो काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं इसको। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा बात है यार, यहाँ पे विद्यार्थी लोग के लिए व्यवस्था अच्छा यहाँ पर किया गया है। बाकी इस तरह आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड है जहाँ पर यार प्रेयर वगैरह होता है और यहाँ पर जो है झंडोत्तोलन का कार्य होता है एज यू कैन सी यार। और इस साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड में यार खाना वगैरह बनाया जाता है, जो भी विद्यालय में मतलब खिचड़ी वगैरह मिलता है, चावल वगैरह जो ही मिलता है,
वो यार यहीं पे बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना यह चूल्हा है, तो हम लोग जो है गांव देहात में इसको चूल्हा बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यार कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने मिल जाता है, यहीं पे सारा कुछ बनता है। और इस साइड में यार दो रूम जो है मतलब किचन जैसा वो बनाया गया। बाकी इस साइड में भी आपको फ्लावर हो गया, तुलसी का जो है पेड़ पौधा जो भी होता है वो यहाँ पे देखने आपको मिल जा रहा है, जो कि यार काफ़ी अच्छा बात है। बाकी आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा स्कूल का सीन आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से यार आपको देखने मिलता है। और इस साइड में काफ़ी ज़्यादा यार मतलब फ्लावर लगाया है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखते हैं बूथ संख्या 52, जैसे कि मैंने आपको बताया बूथ संख्या 52 यहाँ पे, और बूथ संख्या 53 जो है उस साइड में है। तो वोटिंग के लिए यार कल जो है वोट है, तो यहाँ पे 52 पे ही मैं वोट देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बूथ संख्या 52 ही है। तो यहाँ पे इस रूम में जो है वो होता है वोटिंग होता है, तो यहाँ पे मैं जो है वोट देने वाला हूँ। काफ़ी मज़ा आएगा यार। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है इसी स्कूल के बारे में, टीचर वगैरह का नेम भी लिखा गया है, एज यू कैन सी यार कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखते हैं शिक्षक का नाम लिखा गया है, आप जो है पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना टीचर का नेम यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन देखने मिलता है, आप पढ़ सकते हैं यार। बाकी इस साइड में हम लोग आए तो यार इस साइड में जो है काफ़ी पुराना स्कूल बनाया गया है, बट यार इसको जो है भी मतलब अपॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, ये मतलब ऐसे ही रहता है यार। मतलब देख रहा हूँ कि यार 5 साल से इसी प्रकार से है, कुछ मतलब इसमें होता नहीं है, खाली पूरा का पूरा आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो पूरा का पूरा सीन मैंने आपको दिखा दिया यार, ये जो है अरंगी स्कूल का। बाकी यार ऊपर में भी बनाया गया, ऊपर चलता हूँ लेके आपको ऊपर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। अरंगी स्कूल का सीन आप लोग देख सकते हैं यार कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से देखने मिलता है रोड साइड से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग रोड देखने मिल जाता है और यहाँ पे नहर देखने मिलता है। मेरा घर जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है यार, 1/2 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है मेरा घर। तो बाकी इस साइड में आप लोग देखते हैं, ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, ऊपर का सीन मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ यार। बाकी इस साइड में भी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, काफ़ी अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें। तो यार चलता हूँ मैं जो है आपको ऊपर लेके सीढ़ी के थ्रू, तो काफ़ी मज़ा आएगा यार। मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद यार कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है, और यहाँ भी आपको ज्ञान की बातें देखने मिल जाता है। एज यू कैन सी यार काफ़ी प्यारा प्यारा बात जो यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जो है बेसिकली यार 10th क्लास का ये रूम होगा ऊपर में। तो बाकी यहाँ पे भी आपको ज्ञान की बातें देखने मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से सीन था यार अरंगी स्कूल का। और नल चलने में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जो सोलर का भी व्यवस्था कराया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बात है यार बच्चा लोग के लिए कि यार नल जो है 24x7 चले। तो नल ये सोलर इसलिए रखा गया क्योंकि जो पंप लगाया गया है वो चल सके और टंकी में पानी आ सके, क्योंकि टंकी में पानी आएगा रहेगा नहीं तो नल किस प्रकार चला गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सोलर लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा बात है यार। बाकी आपको एक हाई स्कूल देखने मिल जाए जो कि अरंगी का ही स्कूल है वहाँ पे, उसका ब्लॉग आपको जो कभी सेपरेट मैं दूंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी यार ऊपर से सीन आप लोग देख सकते हैं अरंगी स्कूल का कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाता है। तो अलग अलग प्रकार के यार यहाँ पे रूम देखने मिलता है। बाकी यार इतना ही था इस ब्लॉग में। तो गाइज यार जब मैं ये स्कूल में पढ़ता था तो यार मैं जो है 7th क्लास में था, और 7th क्लास के बाद यार यहाँ से नाम जो है कटा के और वो स्कूल में गया, गढ़वा स्कूल में गया, तो डायरेक्टली जो है 3 क्लास में मेरा नाम लिखाया, जो कि यार 7th क्लास में था और डायरेक्टली जो है 3 क्लास में नाम लिखाया, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दुख की बात था मेरे लिए। इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं यार खेती वगैरह किया गया है, जो मैं उस साइड से आपको दिखाया था। कुछ इस प्रकार से सीन जो है देखने मिलता है अरंगी स्कूल का। बाकी यार अनमोल भी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है अपने आप में, और अरंगी का जो है पूरा का पूरा ब्लॉग भी मैं आपको कभी दूंगा। अभी फिलहाल जो है मैं स्कूल का ही ब्लॉग आपको देने वाला था, जो कि यार काफ़ी मज़ा आया। पूरा का पूरा जितना भी स्कूल था यार यहाँ का पूरा जो सीन मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अनमोल यहाँ पे इंजॉय कर रहा है अपने आप में, एज यू कैन सी। तो यार मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यार स्कूल का नाम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी मेंशन है, जैसे कि आप लोग उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरंगी प्रखंड मिराल जिला गढ़वा कार्यालय यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो यार मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।